आप एडिटिंग नहीं करते? आप एडिटिंग करते फिर वीडियो किस में करते हैं? इनके बालों में हमने क्रीम अप्लाई कर दी है, फर्स्ट फिर हेयर स्ट्रेटनर। अब हेयर स्ट्रेटनर जो क्रीम है लगाने के बाद में देख रहे हैं आप इनके बाल जो है ना कैसे है, इतने जिद्दी है कि सीधा होने के लिए नाम ही नहीं ले रहे, वापस अपनी जगह पहुँच रहे। कभी हमने इनके बालों को है ना कम से कम 30 मिनट्स रखेंगे, तब जाके इनके बाल थोड़े बहुत सीधे होएंगे। उसके बाद फिर उसके बाद हम आईनी का प्रोसीजर करेंगे, फिर केराटिन ट्रीटमेंट का करेंगे, फिर उसके बाद फाइनल टचअप आपको दिखाएंगे। चलो भैया, ये होता क्या है केराटिन से? केराटिन एक्चुअली ऐसा है कि हमारे जो डैमेज बाल होते हैं, डैमेज बाल को जैसा हम लोग हाईलाइट वगैरह ज़्यादा करते हैं तो उससे हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, या बहुत बार ऐसा होता है कि स्ट्रेटनिंग करते हैं, स्मूथनिंग करते हैं, रिबॉन्डिंग करते हैं तो उसकी वजह से हमारे बाल डैमेज होते हैं। तो डैमेज हम पूरी तरह से होम केयर नहीं कर पाते। एक होम केयर भी बहुत ज़रूरी है, होम केयर करना बहुत ज़रूरी है, पर हम क्या करते हैं, होम केयर करते नहीं, हमको स्ट्रेटनिंग करना फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद फिर जैसा तैसा अपन चालू कर देते। तो बाल जब हमारे डैमेज हो जाते हैं ना तो उस बालों को रिपेयर करने के लिए हमको केराटिन की जरूरत पड़ती है। तो पहले तो नहीं था केराटिन का, तो इसके लिए हम अलग अलग प्रोडक्ट थे वो उसका इस्तेमाल करना पड़ता था। पर अभी एक्चुअल जो केराटिन आया है ये हमारे नाखून और बालों का जो विटामिन होता है उसको केराटिन बोलते हैं। तो वो केराटिन हम अपने बालों पर अप्लाई करते हैं तो हमारे बाल जो है वो बालों पे एक लेयर बना देते हैं, जो हमारे बाल रहते हैं ना बालों पे एक लेयर बना देते हैं, मींस जैसा लैमिनेट कर देता है, हाँ कोटिंग कर देता है, तो उससे हमारे बाल मजबूत हो जाते हैं और विटामिन मिलता है हमारे बालों को। बाल हमारे मजबूत हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं और थोड़ा सा हैवी दिखने लगते, ठीक आ जाता है बालों में। ये कितने महीने तक रहता है केराटिन का असर? केराटिन का असर एक्चुअली कम से कम 3 से 4 या 5 महीने रहता है अगर हम पूरी तरह से उसका होम केयर करेंगे। उसका हेयर शैम्पू आता है, वो शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो हमारा केराटिन जो ट्रीटमेंट है वो अपने बालों में 5 महीना तक, कम से कम 3 से 5 महीना रहता है। बालों का कैसे मेंटेनेंस सब कैसे रहेगा, मतलब केयर कैसे करना है बालों को केयर करने का? बालों को केयर करने का सिंपल है, ज़्यादा नहीं, घर में खाली थोड़ा सा अपने वक्त निकालना है, हफ्ते में 2 बार शैम्पू और कंडीशनर करना है, केराटिन शैम्पू जो आता है, और अगर आपने स्ट्रेटनिंग किया तो कंडीशनर भी जरूरी, कंडीशनर भी कर सकते हैं, और हेयर सीरम आता है प्रोटीन के लिए अपने बालों को। तो हम कहीं अगर बाहर निकल रहे हैं तो हेयर सीरम लगा के निकले ताकि हमारे पर बालों में डस्ट ना जाए, जो डस्ट होता है डस्ट पड़ेगा तो बाल डैमेज होएगा। तो हमको पॉल्यूशन फ्री करना है, डस्ट फ्री करना है अपना बाल, तो इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा उसको कवर करके निकले, जैसा धूप की किरणें पड़ती है और उसमें फिर धूल पड़ता है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होता है पॉल्यूशन आज के डेट में, गाड़ियों से जो धुएं निकलते हैं, ये सब पॉल्यूशन, ये सब हमारे बाल को खराब करते हैं। तो हमारे बाल के साथ पूरी तरह से वॉल्यूम फ्री हो जाता है, स्ट्रेटनिंग करने के बाद में है ना सारा बाल का जो वॉल्यूम रहता है खत्म हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे बाल में एक तरह से खिंचाव जो रहता है कम हो जाता है, खींचता नहीं, सीधा रहता है, तो कहीं से भी खींचता है या कुछ उस पर पड़ता है डस्ट तो ड्राई हो जाता है। ड्राई होने की वजह से वो बाल कभी कभी मतलब नहीं कर सकता, केयर ना करने की वजह से टूटने लगता है। तो लोग बोलते हैं स्ट्रेटनिंग करने से बाल टूटता है या झड़ता है रिबॉन्डिंग करने से, तो ऐसा नहीं है, उसको हम केयर नहीं करते इसलिए प्रॉब्लम आता है। अब उसका सबसे आसान तरीका है कि केराटिन करा लो, सब में बेस्ट, नो टेंशन, नो झिकझिक। I'm moving it.
अभी ये हमारा 30 मिनट्स पूरा हो गया वेटिंग का, अब हम इनके बाल को चेक करेंगे, इनके बाल स्ट्रेट हुए कि नहीं, इनके बालों का वॉल्यूम हुआ कि नहीं बालों को ठीक से। तो हम इसमें से बाल एक बाल निकाल लेंगे, एक बाल को हम चेक करेंगे। पूरी तरह से बाल स्ट्रेट नहीं करना है हमको, खाली स्मूथ नहीं करना है, इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं रखे। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं, देखो इस तरह से हम खींचेंगे ना बालों को, खींच कर ऐसे छोड़ देंगे, तो अगर बाल स्पंज हुआ तो समझ जाने की स्ट्रेट नहीं हुआ, ये तो कोई बाल स्पंज नहीं हो रहा बिल्कुल ना। तो अभी बाल स्ट्रेट हो चुका है इनका, अब हम इनके बालों को वॉश कर देंगे, उसके बाद आइनिंग करेंगे, आइनिंग नहीं, इसके बाद हम केराटिन ट्रीटमेंट का प्रोसीजर शुरू करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम इनके बाल को स्मूथनिंग करेंगे। वॉल्यूम है उसे थोड़ा पॉप करेंगे। अभी हम इनके बालों में स्ट्रेटनिंग के बाद शैम्पू नहीं करते, पर आज मैं इनके बालों में शैम्पू करूंगा, ताकि मुझे कुछ जो मैं अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं इनके बालों में, ताकि लोगों को पता चले कि स्ट्रेटनिंग पे शैम्पू करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। स्ट्रेटनिंग होना वो जरूरी है, अगर है ना आपका स्ट्रेटनिंग हो गया उसके बाद आप शैम्पू क्रीम लगा सकते, उसके बाद आप केराटिन का क्रीम लगा कर केराटिन का भी प्रोसीजर पूरा कर सकते, उससे आपके बाल को कुछ तकलीफ नहीं होता। इसलिए यही दिखाने के लिए मैं इनके बालों में शैम्पू अप्लाई कर रहा हूँ केराटिन का। तो आप देखो, मैं देखो शैम्पू कर रहा हूँ मैं, तो अभी मैंने स्ट्रेटनिंग किया इनके बालों को, और स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाने के धोने के बाद में फिर मैं इनके बालों में शैम्पू कर रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाहता है कि आप शैम्पू लगाएंगे इनके बालों में तो उससे आपके बाल टेढ़े नहीं हो जाएंगे, आपके बाल जो है सीधे वैसे ही सीधे ही रहेंगे। अभी इसका बात करने वाले के ये जो चीज है ना, इससे आपके जो बालों का क्यूटिकल है ना, इसे ओपन करता है। क्यूटिकल आपके बाल का अगर ओपन होगा तो आपका जो क्या बोलते हैं केराटिन, केराटिन है ना, आपके बाल में अच्छी तरह से पकड़ पाएगा और ज्यादा दिन चलेगा। और ये कितने देर रखते फिर? ये नॉर्मली 7 से 10 मिनट। अगर आपके पास मतलब केराटिन का जो शैम्पू आता ना, डीप शैम्पू, केराटिन का डीप शैम्पू एक आता है, तो स्टार्टिंग में करते, अगर वो नहीं है तो उसकी जगह पे ये अप्लाई कर सकते हैं आप, वो उससे बेटर काम करता है, आपके क्यूटिकल को ओपन करता है। ये चीज एक बार अप्लाई कर दिए, 10 मिनट रख दिए जी, रख देने का, उसके बाद 10 मिनट वेट करने के बाद इसको वॉश करके इसके ऊपर हम अपना केराटिन अप्लाई करते कर सकते हैं, और फाइनली एकदम आपका गॉर्जेट क्या बोलते हैं, एकदम पूरा पूरा 100% जो केराटिन है आपके बालों में आ जाएगा, 100%। किसको बोलते हैं, कोई कंपनी वाला 100% नहीं देता है, डेटॉल भी 99% देता है, एक कीड़ा एग्जाम छोड़ देता है, एक कीड़ा दिखते है। तो 100% जो है बहुत सिर्फ बोलने के लिए 99% ही होता है, 1% किसी भी चीज में बस ही जाता है। गाइस ये जो बच्चा है ना, ये अभी बच्चा है, इसकी एज नहीं हुई है ये सब कराने की, इसलिए इतना सब मेरे को इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा, ताकि इसके बाल डैमेज ना हो, अंडर एज है। घर पे इसकी मम्मी को पता चला, घर पे इसकी मम्मी को पता चला इतना सब कर रहा ना ये, इसकी सामने तो है विराज। माँ घर से बाहर दरवाजे के बाहर कर देगी तेरे को, बोले कि बेटा खाना ले बाहर खा, बारिश हो, गर्मी का मौसम है, वैसे भी चादर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
मच्छर काटते तो क्या हो गया, आ तो ना गुजार लेना इसको, हम 10 मिनट रखेंगे ऐसा अप्लाई करके। इसमें हिट प्रोटेक्टर रहता है, हिट प्रोटेक्टर रहता है जिससे आपके क्रिटिकल को ओपन करता है। आपके क्रिटिकल ओपन हो गए उसके बाद हम क्रिएटिन ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं इसको वॉश करने के बाद में, तो बेटर रिजल्ट आएगा क्रिएटिन का। जो भी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है भाई, बिना किसी जानकारी के ये सब चीजें आप मत करना। आप करोगे अदंस कुछ आपको उल्टा सीधा हो गया तो आप ब्लेम मुझे दोगे। अभी ये हमने जो सिगरेट हमारा जो था उसको हमने अप्लाई किया था 10 मिनट के बाद में हमने उनके बाल को हेयर वॉश करके, अभी हम इनको बाल इनके बाल को केराटिन अप्लाई करेंगे। उसके लिए पहले हम इनके बालों को टॉवल से ड्राई करेंगे, हेयर ड्रायर नहीं लगाएंगे। हेयर ड्रायर से हिट करके बाल को केराटिन नहीं लगा सकते, इसलिए हम नॉर्मल बालों को ड्राई करेंगे टॉवल से, उसके बाद उस पर अप्लाई करेंगे। तो लिस्ट को अभी आप देखो केराटिन किस तरह से अप्लाई करते हैं। ये केराटिन प्रोडक्ट है और इसका नाम मेरे को पढ़ने में इंग्लिश नहीं आता भाई लोग मेरे को, इसलिए थोड़ा पढ़ रहा हूँ मैं। क्या लेक्सिस प्रोडक्ट योर अमेजिंग हेयर केराटिन स्मूथनिंग ट्रीटमेंट, ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग बोलना नहीं बाद में कि मैंने केराटिन के प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल किया। ये आप जितना आपको लगे बालों में उतना ही निकालना, उससे ज़्यादा निकालोगे कुछ मतलब नहीं, खराब हो जाएगा। ओके, मुझे इतना लगेगा मैं इतना निकाल लिया हूँ, अगर और लगेगा तो और निकालूंगा। ओके चलो हम अप्लाई करते हैं, पॉज कर दें। तो भाई लोग अभी ये है, आप देखो एक क्रिएटिन इस तरह से होता है, आपको अप्लाई इसी तरह से करना है, थोड़ा सा लेना है और उसके बाद में यहाँ के जो ऊपर के बाल हैं, यहाँ ऊपर के ही बालों जड़ से थोड़ा छोड़ कर ही इसको अप्लाई करें ऐसा। तो इसको अच्छी तरह से लगाना है आपके बालों में, अगर बाल लंबे हैं तो आप इसको रफ भी कर सकते हैं जैसा आदत मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसा उठा लेना है इसको और यहाँ से पकड़ के अभी यहाँ पे ऐसा इसको लगा दिया और उसके बाद इसको ऐसा थोड़ा सा रफ करना है इसमें, ताकि ये बाल के आप पूरी तरह से बाल में चले जाए। इसी तरह से आपको सब बालों में लगाना है, सेंक्शन से सेंक्शन टू सेंक्शन पूरे बालों में अप्लाई करना है इसी तरह से। टाइम कितना भी लगे उसको परवाह मत करना, काम अच्छा करना। बाकी और जगह लगा के आप प्रोटीन खराब करके मतलब नहीं है, आपके जितने बालों पे जरूरत है, जितने बाल डैमेज है उसी बालों पे ही आप अप्लाई करिए। तो इस तरह से अप्लाई करना है भाई लोग, देखिए जैसा मैं कर रहा हूँ आपको इसी तरह से। अगर आपके बाल ज़्यादा शॉर्ट हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है आप इस तरह से रब करने की, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो ब्रश से। तो ये है मेरा केराटिन और मैं इनके बाल में अप्लाई कर रहा हूँ ऐसा ऐसा, इस तरह से आप सैंक्शन बना लेंगी और लगाते रहिए। तो इस तरह से आप अगर अपने बालों को थोड़ा सा रब करेंगे तो आपके बालों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन जाएगा, ज़्यादा टाइम चलेगा, लॉन्ग टाइम। अब इस बाल हमने इनके बाल में पूरे अप्लाई कर दिया है केराटिन, अब इस बाल को हम क्या करेंगे हीट प्रोटेक्ट के लिए थोड़ी देर के 30 से 45 मिनट तक हम इनके बालों को कोई किसी चीज़ से ढक देंगे, जिस तरह से पॉलीथीन हो गया या पेपर बोलते हैं एल्यूमिनियम फॉइल्स फॉइल्स, हाँ उससे भी आप हम ढक के 45 मिनट्स के लिए वेट कर सकते हैं। बहुत ठंडा लगता है, लग रहा ठंडा ना, ठंडी लग रही है भाई हाथों में, बहुत ठंडी लग रही है भाई के सर में, कितना ठंडी लगता रहेगा, लग रहा ठंडा ना। हाँ ठंडा लग रहा है, अभी पूरे एक्साइटमेंट में कुछ सब जा रहे हैं आज मेरा दोस्त बहुत एक्साइटमेंट है, ये इतना एक्साइटमेंट है कि उसको लग रहा है कि बस मैं अभी
बाल मेरे पूरे है ना एकदम ऋतिक रोशन के जैसे सीधे हो जाएंगे। ये है प्लास्टिक रैप, इससे हम अपने इनके बालों को पूरा कवर कर रहे हैं। सिगरेट, अब हमारा टाइम पूरा हो गया है, 45 मिनट्स हमने इसको रखा वेट करने के लिए। अब हम इसको निकाल के इसके बाद हेयर ब्लॉर करने वाले। ये भाई तेरी पगड़ी ले घर पे लेके जा, इसमें सब्जी लेके जा, फ्रूट्स रखने को काम आएगी। सब्जी लेना। अभी हम राउंडर से इसको नहीं करेंगे क्योंकि राउंडर से करने ब्लॉर वर्क ठीक से होगा नहीं, इसलिए हम कंघी इस्तेमाल करेंगे इसमें। प्याज का कांदा काटने के बाद में झाग लगता आँख में ना, वैसा इसका भी स्मेल है ना आँख में और नाक में लगता है, इसलिए ना मास्क लगा के करना कभी भी। तो मैं मुझे कंट्रोल हो जाता है इसलिए मैं कर लिया। बाकी लोगों का करना है ना तो मास्क लगा के नाक में फिर कर लेंगे। हमको स्मूथनिंग करना है, स्ट्रेटनिंग नहीं करना है पूरा, तो हम थोड़ा सेंक्शन मोटा ही लेंगे, उसको थोड़ी देर कर देंगे जिससे हमारा बाल ज़्यादा स्ट्रेट ना हो, ताकि हमारे दोस्त को प्रॉब्लम ना हो बाल सेट करने में। ज़्यादा स्ट्रेट हो गया बाल ना, सेट करने के लिए लोग परेशान हो जाते हैं, वैक्स लगाते, स्प्रे मारते। स्मूथनिंग से क्या होता है, बाल अपने स्मूथ हो जाते, नेचुरल बाल किस तरह से रहते उसी तरह से रहते, इसलिए हम थोड़ा सेंक्शन मोटा ही लेंगे ताकि बाल ज़्यादा सीधा ना हो। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितने टेम्परेचर पे अपने क्लाइंट का बाल को हिट करना चाहते हैं। अभी देखो, मैंने 230 के टेम्परेचर पे मेरे दोस्त का जो बाल है नेचुरल है, इसमें इसने कोई कलरिंग नहीं किया है, हाइलाइटिंग नहीं किया है, इसलिए इसका बाल नेचुरल है। तो इसके बाल को हम 230 डिग्री से हिट करके इसके बाल को साइन दे सकते हैं। देखिए, आप पूरी तरह से देख सकते हैं बाल में साइन आ रहा है। अब ये जो साइन है हमको 230 डिग्री पे मिल रहा है, अभी इसके बालों पे 230 डिग्री से ही सेल्सियस से हिट दे रहा हूँ बालों को। सात बज गया है, मैं इसलिए काम इधर ही रोक रहा हूँ, भाई आप लोग थोड़ा वेट करो, मैं रोजा खोल के नमाज पढ़ के वापस आता हूँ। तो आ गया मैं रोजा छोड़ के, मेरा रोजा खोलने टाइम हुआ इसलिए मैं चले गया था थोड़ा ब्रेक के लिए। तो अभी मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ मेरा सारा काम। देखो आगे के बाल दिखते नहीं थे। फाइनल मोमेंट ये, ओके, रेडी, 3, 1, 2, 3। ये हो सकेगा ना, अभी हम इसका वैक्स लगाएंगे, वैक्स लगा के बाल सेट करेंगे, तो उसके बाद फिर हेयर फिक्सर से हम पूरे बालों को इनके सेट कर देंगे, एक तरफ कर देंगे। और आफ्टर 3 डेज नॉट वाटर अप्लाई नहीं करना है, उसके बाद आपको केराटिन शैम्पू से वॉश करना है 3 दिन के बाद। देख रहे जैसे कि आप लोग
कि हमारे भाई का बाल भाई तो छा गया। कुड़ियां दी लाइन लगे अभी भाई को। सिल्की शाइनिंग बाल फाइनल लुक। थैंक्स भैया। अरे तो भाई लोग रुको एक मिनट, एक मिनट को मैं इसका पहले का लुक दिखाता हूँ। ये पहले का और अभी का बेटा पीछे कैसा है लुक है ना भारी। ये पहले का, ये जंगली नारियल का झाड़। चलो ओके हाँ तो दोस्तों अभी ये जो हमारा क्रिएटिन हुआ है, क्रिएटिन अभी पूरा प्रोसीजर हो गया है, लास्ट प्रोसीजर बाकी है। 3 डेज के बाद में हम इनके बालों को क्रिएटिन शैम्पू करेंगे और उसके बाद में घर पे आपको क्रिएटिन शैम्पू इस्तेमाल करना है, तभी जाके आपके बालों में क्रिएटिन हेयर ट्रीटमेंट का जो हमने किया है उसका असर लंबे समय तक रहेगा। अगर आप छोड़ देंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा, जल्दी निकल जाएगा और ड्राइनेस जल्दी आएगा आपके बाल में, इसलिए शैम्पू हमेशा इस्तेमाल करना है। टेक केयर। पिंक नहीं, रोज। ये क्या बोलते हैं, ऑरेंज।